हैदराबाद के सामने होंगे पंत और स्टब्स, हेड और क्लासन से कैसे बचेंगे दिल्ली के गेंदबाज। आईपीएल 2024 का ये 35वां मुकाबला है। अब तक 34 मुकाबले खेले जा चुके, हर मुकाबला अपने आप में एक बेहतरीन रोमांचक मुकाबला रहा है। आज मुकाबला खेला जाएगा हैदराबाद बनाम दिल्ली। ये मुकाबला होगा अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में, यानी दिल्ली अपने होम ग्राउंड में खेलेगी। पहली बार दिल्ली अपने होम ग्राउंड में कोई मुकाबला खेलने जा रही है। ये मुकाबला बहुत खास है क्योंकि दिल्ली के हालात थोड़े डगमगाए हुए हैं, लेकिन जीत की पटरी पर वापस आ चुकी है। मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू हो जाएगा। अगर आप फैंटेसी टीम बनाना चाहते हैं ना, तो 7 बजे तैयार रहिएगा। इस मैच की क्या है पिच रिपोर्ट, कैसे बन सकती है दोनों टीमों की प्लेइंग 11, हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या है और क्या होगी बेहतरीन फैंटेसी टीम, सब आपको बताऊंगा। वीडियो को आखिरी तक देखिए। तो चलिए बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की। दिल्ली और हैदराबाद के बीच जब भी हेड टू हेड मुकाबले हुए हैं, जबरदस्त तरीके से रहे। दोनों टीमों ने अब तक कुल 23 मुकाबले खेले हैं। इनमें से दिल्ली ने 11 मुकाबले जीते हैं, वही हैदराबाद के खाते में 12 मुकाबले आए हैं, यानी हैदराबाद थोड़ा आगे है। लेकिन इस मुकाबले में ये आंकड़ा बराबर हो सकता है या थोड़ा सा आगे जा सकता है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ की पिच रिपोर्ट कैसे है, चूंकि अब तक इस साल कोई भी आईपीएल मुकाबला नहीं खेला गया। चलिए देखते हैं यहाँ की पिच रिपोर्ट कैसी है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आईपीएल के सीजन का पहला मुकाबला खेला जाएगा, इसलिए पिच बिल्कुल हरी और बिल्कुल फ्रेश हो सकती है। वैसे तो यहाँ की पिच स्पिनर्स को मददगार मानी जाती है, लेकिन अब की बार तस्वीर बदल सकती है। स्टेडियम ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए खूब रन बनते हैं और कई बार यहाँ पर चौकों छक्कों की झड़ी सी लग जाती है। नई पिच होने के कारण यहाँ स्पिनर्स को लेकर माना जा रहा है कि ज़्यादा मदद नहीं होगी, लेकिन तेज गेंदबाज प्रभावी हो सकते हैं। तो अभी आपने देख लिया पिच रिपोर्ट कैसी है। पिच रिपोर्ट के बाद बात कर लेते हैं दोनों टीमों के क्या है हाल, कहां पर दोनों टीमों इस समय पॉइंट टेबल में, कितने मुकाबले जीते हैं और कितने हारे हैं। दोनों टीमों के पॉइंट टेबल के हाल पर बात की जाए तो सनराइजर हैदराबाद की टीम अब तक 6 मैच खेलकर उसमें से 4 जीत चुकी है और 2 में उसे हार मिली है। टीम के पास 8 अंक है और पॉइंट टेबल में इस वक्त 4थे स्थान पर काबिज है। वहीं अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली ने 7 मैच खेलकर 3 में जीत पाई है और 4 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। कुल 6 अंक लेकर टीम 6थे स्थान पर है, यानी दोनों टीमों के बीच 2 अंक का अंतर है। अगर ये मुकाबला दिल्ली जीतती है तो हैदराबाद के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगी। अगर हैदराबाद का रनरेट थोड़ा गड़बड़ाता है तो हैदराबाद सुपर 4 से बाहर हो सकती है, लेकिन लगता ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये पिच छोटी है, बड़े बड़े छक्के चौके लगते हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि यहाँ पर एक बार फिर से हेड क्लासन अभिषेक शर्मा, मार्करम और समत की तूफानी पारी देखने को मिलेगी, जबकि जवाब में खेलेंगे फ्रेजर, साथ में स्टफ, ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर। तो चलिए बात कर लेते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या होगी। पहले बात करते हैं दिल्ली की। अगर वार्नर फिट होते हैं साई होप बाहर जाएंगे और प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से नजर आएगी। डेविड वार्नर होंगे, पृथ्वी शॉ होंगे, जैक फ्रेजर होंगे, ऋषभ पंत होंगे, ट्रिस्टन स्टफ्स हैं, अक्षर पटेल, सुमित कुमार, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, खलील अहमद और ईशान शर्मा, ये इनकी तो प्लेइंग 11 है। अगर इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो अभिषेक पोरेल यहां पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अगर बात करें सनराइजर हैदराबाद की, तो हैदराबाद बिना बदलाव के उतर सकती है। हैदराबाद में होंगे अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, हेनरी क्लासेन, एडम माकम, अब्दुल समद, नीतीश रेड्डी, शहबाज अहमद, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, जयदेव उनादकर और 3 नटराजन। इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो मयंक मारकंडे यहां पर खेलते नजर आ सकते हैं। दोनों टीमों की आपने प्लेइंग 11 देख ली, पिच रिपोर्ट देख ली और साथ साथ हेड टू हेड रिकॉर्ड देख ली। चलिए देखते हैं अब तक इन दोनों टीमों में कौन कौन है टॉप परफॉर्मर, कौन सा बनाया है सबसे ज्यादा रन, कौन तोड़े हैं सबसे ज्यादा विकेट। तो पहले बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली क्योंकि होम ग्राउंड है, दिल्ली की तरफ से ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 110 रन बनाए हैं, वहीं स्टब्स ने 189 रन बनाए हैं जो दूसरे नंबर पर हैं। विकेट की बात करें तो खलील अहमद ने सबसे ज्यादा 10 विकेट चटकाए हैं और मुकेश कुमार ने 8 विकेट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। कुलदीप भी कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद की तरफ से हेनरी क्लासन ने 253 रन सबसे ज्यादा बनाए हैं, दूसरे नंबर पर हैं, शतक लगा के आ रहे ट्रेविस हेड जो 235 रन बनाए हैं। वहीं अगर बात करें विकेट की, तो पैट कमिंस जो कप्तान है वो 9 विकेट के साथ टॉप पर हैं, दूसरे नंबर पर हैं टी नटराजन जो 6 विकेट झटके हैं, नंबर 3 पे हैं मयंक मारकंडे जिन्होंने 5 विकेट चटकाए हैं। तो आपको टॉप परफॉर्मर पता चल चुके, प्लेइंग 11 कैसी है ये पता हो चुकी, पिच रिपोर्ट कैसी है ये पता हो चुकी। चलिए बनाते हैं अपनी टीम, यानी बड़े बड़े छक्के लगेंगे, ये पहला पॉइंट है, इसे नोट करके रखिए। तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, ये दूसरा पॉइंट है, इसे भी नोट करके रखिए। और यहाँ पर खूब रन बनने वाले हैं, हो सकता है एक बार फिर से हमें 250-240 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है। अगर बात करें विकेट कीपिंग के ऑप्शन की, तो यहाँ पर हैं कई सारे, लेकिन रखिए सिर्फ 2, हेनरी क्लासेन और साथ ऋषभ पंत। अगर बात करें बल्लेबाजी की, तो ट्रेविस हेड होंगे, वार्नर, अभिषेक शर्मा, स्टब्स और जैक फ्रेजर। ऑलराउंडर में सिर्फ और सिर्फ मैंने माकरम को रखा है। गेंदबाजी की बात करें तो खलील और पैट कमिंस के साथ कुलदीप को रखा है। मुझे लगता है कुलदीप की फिरकी फिर भी चलेगी, कितनी भी ना मदद मिले।
कप्तान और वाइस कैप्टन की जब बात आती है तो पहले टीम में मेरे कप्तान है क्लासन, जबकि वाइस कैप्टन है जैक फ्रेजर। दूसरे टीम के कप्तान है अभिषेक शर्मा, जबकि वाइस कैप्टन है स्टब्स। टीम थोड़ी अलग है, कप्तान और वाइस कैप्टन अलग हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ पर धूम धड़ाका होगा और धूम धड़ाके में ये चारों खिलाड़ी कहीं पीछे रहने वाले नहीं हैं। तो फिलहाल आपको कैसी लगी हमारी टीम कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपका कोई सुझाव है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।